नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां चंद्रघंटा ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, जिसकी वजह से मां दुर्गा के इस विशेष रूप की विशेष मान्यताएं हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र में दुर्गा उपासना के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा, इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इसके साथ इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। साथ ही इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। मां चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इतना ही नहीं, क्रोधी, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने और तनाव लेने वाले तथा पित्त प्रकृति के लोग मां चंद्रघंटा की भक्ति करें। इससे उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और साधकों को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। टीम न्यूज स्टेट। तो नवरात्र का तीसरा दिन आज है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन माता के पूजा की महिमा क्या है और उनकी पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के दिन त्योहार की। आज नवरात्रों की तृतीया तिथि है और दुर्गा मंडप में तृतीया तिथि में चंद्र घंटा का पूजन किया जाता है। संसारिक कष्टों से छुटकारा पाने हेतु मां दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना की जाती है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा। नवरात्रों में तृतीया तिथि को मां चंद्र घंटा का ही पूजन आराधन किया जाता है। देवी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण माँ को चंद्र घंटा देवी कहा गया है। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक का मणिपूरक चक्र जागृत हो जाता है। मां का वाहन सिंह है। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक संसारिक कष्टों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने मन, वचन, कर्म से पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र होकर के मां चंद्रघंटा की शरणागत होकर के उपासना आराधना करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा की पूजा में कौन सी वस्तु खास है जो अर्पण करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा भी करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां चंद्रघंटा की पूजा में दूध की प्रधानता रहती है। इस दिन देवी को सिंदूर अर्पण करने से का विशेष विधान एवं विशेष महत्व भी बताया गया है। देवी की पूजा की सरल विधि क्या है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देवी की पूजा का विधान है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर के घर के आंगन में लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके देवी का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करें। देवी का पंचोपचार, गंधक, छत्पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए, अन्यथा षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। देवी के दाहिने हाथ में कलश और बाएं हाथ में अखंड दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए और देवी के सामने क्षेत्री का रोपण करना चाहिए, जौ का रोपण करना चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों में देवी का वास उसी क्षेत्री में होता है और उसी का पूजन करने से देवी का पूजन सम्पन्न होता है। तदुपरांत पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, अन्यथा जो भी आप पाठ कर सकते हैं उसका पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवती की 5 बत्ती
सात बत्ती अथवा नौ बत्ती अन्यथा तीन बत्ती से ही घी की ज्योति से आरती करना चाहिए और आरती के बाद देवी से क्षमा याचना करना चाहिए। जो भी पूजा में त्रुटि हुई हैं, गलतियां हुई हैं, कमी रह गई हैं, उनके लिए देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी की परिक्रमा करते हुए अंत में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो आज भक्त माँ की भक्ति में लीन है और तीसरे दिन माँ की पूजा करने का विशेष स्वरूप क्या है वो भी हमने आपको जानकारी दी। अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ पर आप देख पाएंगे कि आज मंदिरों में किस तरीके से भक्त जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। महेश चांडक हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा तस्वीरों के लिए। हमारी सहयोगी दामिनी दिल्ली के मंदिर से जुड़ गई हैं, झंडे वालन मंदिर से हमारे साथ हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से और दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेश आपके पास ही आते हैं, छिंदवाड़ा में क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, वहाँ पर मंदिरों में किस तरीके की भीड़ है और चूंकि कोविड की गाइडलाइंस का भी पालन करना है, लोग कितना जागरूक हैं उसको लेकर, कितने ज़्यादा जानकारी उनके पास है? अनुराग, ये बता दें कि छिंदवाड़ा में लगातार दुर्गा पूजा को लेकर के और दुर्गा उपासना को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और छिंदवाड़ा का ये जो षष्ठी माता मंदिर है ये निश्चित रूप से काफ़ी फेमस है और इस मंदिर में लोग अपनी आराधना लेकर के आते हैं, मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और इसकी पूजा यहाँ अर्चना यहाँ की जाती है और लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। आज देवी का तीसरा दिन है जिसको चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है देवी को, और आज बाघ की सवारी के रूप में देवी इस पर सवार रहती है। लोगों को शांतिकारक और कल्याणकारी का रूप आज देखने को मिलता है। आज लोगों के मन में किसी प्रकार से शांति और कल्याण की भावना बने, यह आज देवी का स्वरूप होता है। देवी के शरीर पर अर्धचंद्राकार मुकुट होता है जिसको लेकर के उनका नाम आज चंद्रघंटा के रूप से उनको जाना जाता है। छिंदवाड़ा के जहाँ तक मंदिरों की बात है, लगातार मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और इस तरह से लोगों की उपासना और लोगों की श्रद्धा यहाँ देखने को मिलती है कि लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं और मनोकामना यहाँ पूरी होती है। साथ ही जहाँ तक कोविड की 19 की बात है, इसको लेकर के पूरी तरह से इस मंदिर में और अन्य मंदिरों में भी इसकी व्यवस्था की गई है, पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है, साथ ही और लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस। बहुत अहम जानकारियां आपने दी। जाहिर तौर पर आज माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और तमाम भक्त माँ की पूजा करते हुए उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब दिल्ली लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहाँ पर झंडे वालान मंदिर से हमारी सहयोगी दामिनी हमारे साथ मौजूद है। मान्यताएं दामिनी काफ़ी है झंडे वालान मंदिर की, पूरे देश भर में ये मंदिर प्रसिद्ध है। अगर आप माँ के दर्शन सुबह सुबह हमारे भक्तों को या दर्शकों को करवा पाए वहाँ से, और बताइए वहाँ पर कि क्या विशेष अनुष्ठान माँ के पूजन के लिए किया गया है। जी जी अनुराग, आप देख सकते हैं कि झंडे वालान मंदिर में हर साल की तरह डेकोरेशन तो वैसे ही किया गया है पूरी तरह से, लेकिन कोई कमी नहीं है डेकोरेशन में, लेकिन जो भक्तों की भीड़ है वो हर साल की अपेक्षा में थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। ये वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन क्या बोलते हैं, भक्तों की आशा आराधना में जो श्रद्धा में जो कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि आज माँ चंद्र घंटा का दिन है और माँ चंद्र घंटा को लाल रंग काफ़ी पसंद था, तो भक्तों को जो ला रहे हैं वो लाल रंग की चुन्नी ला रहे हैं माँ के लिए और लाल कलर के फूल ला रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कम भीड़ है क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पे सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का भी ध्यान रखा गया है और मंदिर परिसर में बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है और किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दी गई है यहाँ पे इस बार, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। बिल्कुल दामिनी, आपने माँ की वो तस्वीर भी दिखाई, माँ की माँ के दर्शन करवाए जो जाहिर तौर पर हमारे दर्शक देखना चाहते होंगे। बने रहिए दामिनी आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश। पहले दुर्गेश आपसे ही आ जाते हैं, आपके पास ही आ जाते हैं, क्योंकि कल तक जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे वहाँ पर माँ के दर्शन के लिए जो भक्त पहुँच रहे थे भक्ति में तो वो सराबोर थे,
लेकिन जानकारी का अभाव था, क्योंकि माँ की भक्ति में वे ये भूल गए कि अभी कोविड का टाइम है और वहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन है या प्रशासन है उसने बहुत सारे नियम तय किए हुए हैं। आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं नवरात्र के इस शुभ मुहूर्त में? बिल्कुल अनुराग, नवरात्र शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की आज पूजा होती है। कोविड काल में ये ऐसा पहला त्यौहार है जिसको सार्वजनिक तौर पर हम सब मिलकर मना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी त्यौहार आए हैं वो तमाम त्यौहारों पर कोरोना काल का ग्रहण लगा है। फिर चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, महाशिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, जैसे तमाम त्यौहार, गणेश उत्सव हो, ये पहला त्यौहार है, इसलिए कोविड के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जबलपुर में भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इस वक्त मैं खीरबाई मंदिर में मौजूद हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको माँ भगवती के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में हम देखते थे, अमूमन हर साल हम इस मंदिर में कवरेज के लिए आते हैं, लेकिन जितनी लंबी लाइन हम हर साल देखते थे इस बार वैसी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वाभाविक है लोग थोड़े से जागरूक भी हैं, जो आ भी रहे हैं वो पूरी तरह कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क के किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर बाकायदा पालन किया जा रहा है, 2 से 3 लोग 4 लोग ही मंदिर के अंदर आ पाते हैं, बाकी लोग बाहर वेट करते हैं। तो स्वाभाविक है ये सब, ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं करना, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो हम आने वाले त्यौहार पर भी संकट आ सकता है, इसलिए ये सब तमाम चीज़ें करना ज़रूरी हैं। कुछ लोग हैं देवी भक्त, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कितने खुश हैं आपके मंदिर आने को मिल रहा है कम से कम, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं अभी? पाबंदियाँ तो है थोड़ी सी, लेकिन इसके पहले जो स्थिति बनी थी त्यौहारों पर उससे बेटर है, पहले से बेटर है। बिल्कुल, ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती के। स्वाभाविक है अनुराग, क्योंकि देखिए कोरोना काल में हमने सब ने देखा है कि कितने बड़े बड़े त्यौहार हमने चार दीवारी के अंदर मनाए हैं। ये पहला सार्वजनिक त्यौहार है जिसे सरकार ने और प्रशासन ने एक तरीके से प्रतिबंध मुक्त रखा है, हालांकि गाइडलाइन ज़रूर गई हैं कि तय की गई हैं, कुछ नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन वो नियम इतने शिथिल हैं कि आम आदमी उसमें एडजस्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात अनुराग कि जबलपुर जिला प्रशासन की बात करूँ तो जबलपुर जिला प्रशासन ने जबलपुर के तमाम जो देवी मंदिर, जो प्रसिद्ध देवी मंदिर है, वहाँ पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक कैमरा लगा हुआ है अनुराग जो विथ ऑडियो है, यानी कि आप घर बैठे किसी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ की आरती का आनंद ले सकते हैं, वहाँ के पूरे जो पूजा विधि विधान है उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने व्यवस्था की है कि हर मंदिर के आपको ऑनलाइन दर्शन करे जाएंगे, इसके लिए बाकायदा एक लिंक भी जारी की गई है। और पिछले 3 दिनों की यदि हम बात करें तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोग जो है घर बैठे भगवती के दर्शन कर रहे हैं, तो ये बेहद खास हो जाता है इस तरीके से कि आप यदि कोविड के तहत आपको देवी भक्ति भी करना है, आराधना भी करना है और तमाम नियमों का पालन भी करना है, तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए चार दिन नवरात्र मनाया जा रहा है, आज तीसरा दिन है। अच्छी बात यह है कि 3 दिनों में मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले दिन जो पंचमी होती है, षष्ठमी होती है और खासकर जो अष्टमी होती है, अष्टमी के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ मंदिरों में उमड़ती थी, हमने हर साल देखा है। इस बार कोशिश यही है तमाम मंदिर समितियों की, प्रशासन की, कि वो भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, कोशिश यही है कि देवी भक्तों से अपील कर रहा है लगातार प्रशासन की आप घरों से कम निकलें, घर पर ही आराधना करें, घर पर भी आराधना हो सकती है ईश्वर की, और वही कोशिश करें। अनुराग, बिल्कुल दुर्गेश आपने ठीक कहा जो तमाम जानकारियां दी। जितेंद्र का रुख करते हैं, जितेंद्र क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखा दूँ, क्योंकि शक्ति की भक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत जिस दिन से हुई उस दिन से अगर असल में आपको नवरात्रि की धूम देखनी तो आपको राजधानी भोपाल में देखना पड़ेगी, क्योंकि भोपाल के तमाम जो मंदिर हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार जो ताता है वो देखने को मिलता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सोमवारा स्थित माँ कर्फ्यू देवी मंदिर में, जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि माँ कर्फ्यू देवी मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है। दरअसल इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया गया था। और देखिए श्रद्धालुओं में जो आस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, हालांकि कोरोना का कहर जरूर है, बावजूद उसके लोगों की जो भीड़ है, जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करने के साथ ही उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि या देवी सर्व भूतेषु शक्ति रूपेणी संस्था नमत तस्य नमत तस्य नमत तस्य नमो नमः। और इसका मतलब यही होता है कि हे देवी आप मेरे मन के अंदर या हमारे शरीर के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर अगर शक्ति के रूप में विराजमान है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है।
है और यही वजह है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालु आकर इसी मंत्र का जाप करते हैं कि कोरोना काल में जो शक्ति है वो माता प्रदान करें, और इस शक्ति के साथ ही माता रानी यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दें। वो देखिए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, हम यहाँ पर उनसे बात करेंगे। फिर बताएं, नवरात्रि है, शादी नवरात्र चल रही है, हालांकि कोरोना का भी कह रहे हैं, किस तरह से माँ की भक्ति आराधना और ख़ास तौर पर माँ से मांगा क्या जा रहा है इसका? अच्छा माना जा रहा है, कोरोना वाले भी अपने मास्क बांध को आ रहे हैं, बढ़िया, और सब दूर दूर हो रहे हैं, रह रहे हैं, बढ़िया। इस बार कुछ विशेष सब कार्यक्रम होंगे, सबसे दूर दूर होंगे, मास्क लगा के होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको श्रद्धालु को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए शक्ति की भक्ति का ये पर्व है, शारदीय नवरात्र है, और इसका इंतजार भी तमाम जो श्रद्धालु इन्हें रहते हैं। देश में चार नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें दो नवरात्रि ऐसी होती हैं जो दिखती हैं और जो दो नवरात्रि दृश्य होती है, यानी कि गुप्त नवरात्रि जिन्हें कहा जाता है, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, इनकी महिमा काफ़ी अलग ही रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो कि लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और शक्ति से सिर्फ यही उपासना की जा रही कि शक्ति इस प्रलय के समय पर हमारे जीवन के अंदर जो अंधकार जैसा कोरोना आया है उसको खत्म करो। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी आके माँ की जो साथी कहते हैं वो बना रही हैं, क्योंकि कहा जाता है ये महत्व होता है नवरात्रि के दिनों में कि इस तरह से पूजा अर्चना करने पर आप अपनी मनोकामनाओं को मांग सकते हैं, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हो। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं और दिखाना चाहूँगा, इस मंदिर में बाहर से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, देखिए मंदिर के जो पंडित जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित जी भी आए हुए हैं। पंडित जी, नवरात्रि की कितना महत्व, खासतौर पर जो कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था, लेकिन भक्तों की आस्था में कितनी कमी, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कोई कमी है? भक्तों की आस्था में तो कोई कमी नहीं है, दर्शनार्थ के लिए तो आते हैं भक्त, लेकिन कोरोना की वजह से और शासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए भक्त आते हैं, आरती में आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, चले जाते हैं, यानी कि भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है, घर पर भी कर रहे हैं पूजा वो। पंडित जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना महत्व रखता है? माता भगवती का आज तृतीय दिवसीय चंद्रघंटा के रूप में मनाया जाता है, जो कि भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना माता भगवती ने की थी और उन्हीं के उसमें मनाया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं अनुराग, वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और देवी से अपने देवी की आराधना कर रहे हैं और उनसे कामना की जा रही है कि उनके परिवार में सुख समृद्धि तो बनी ही रहे, साथ ही माँ भगवती ये तमाम जो दिव्य अलौकिक तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जितेंद्र, जहाँ पर घर बैठे ही न्यूज़ 8 के दर्शक माँ के दर्शन भी कर सकते हैं, तमाम विधि विधान भी जान सकते हैं पूजन को लेकर। आपके पास एक बार फिर लौटेंगे अरविंद चौक से, हमारे सहयोगी देवास से ज्यादा जानकारी, ज्यादा तस्वीरों के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर देवास की बात की जाए तो देवास की माँ टेकरी के पूजन अर्चन की नवरात्र में बहुत विशेष मान्यताएं हैं। अगर हम लोग आज के दौर की बात की जाए, क्योंकि माँ टेकरी जो है वो वहाँ पर पहाड़ों पर बसी हुई हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना नवरात्र के दिनों में कुछ खास विशेष अनुष्ठान के साथ की जाती हैं, आज क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और पिछले अगर दो दिन की भी अगर बात करें, कोरोना गाइडलाइंस के साथ भक्तों की भक्ति किस तरह से नजर आती है वहाँ पर? हम बात करें आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माता चामुंडा का विशाल मंदिर है, माँ टेकरी पर ऊपर विराजमान है, ये महारानी का विशाल मंदिर है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यहाँ पर कोविड पर भारी पड़ा माँ के शक्ति, यहाँ पर हम बात करें माँ चामुंडा के दरबार में महिलाएं पुरुष के बच्चे सब आई हैं। हम भक्तों से बात करते हैं, आप कब से आ रही हैं यहाँ मंदिर में? क्या 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 मान्यता है मंदिर की? यहाँ के भक्तों की हम बात करें, भक्तों से बात करें, भक्तों का कहना है कि यहाँ का जो ये मंदिर है, यहाँ की मान्यता है, और हम इसी कारण है कि यहाँ पर माता के दरबार में खींचे चले आते हैं। हमारे साथ है मंडित के पुजारी, हम बात करते हैं, पुजारी जी बताएं ये जो मंदिर है माता की क्या विशेषता है और कितना प्राचीन मंदिर है ये? माँ शक्ति के रक्त की रहता है यहाँ, रक्त वाहिनी चामुंडा कहलाती है, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे राजा भर्तहरि ने भी तपस्या करी, शिवनाथ जी ने भी तपस्या करी, वृक्षनाथ जी भी यहाँ पर उनका आगमन हुआ। जब से यहाँ पे राजा भर्तहरि जी भी आए थे तो हम बात करें, पंडित जी का कहना है कि ये मंदिर है बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के विशेषता है। हम बात करते हैं यहाँ आए दर्शकों से, जी आप बताएं, कोविड का कहर है इसके बाद आप तो चढ़ते माता जी के मंदिर में आई हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की बताएं, क्या विशेषता है मंदिर की?
कब से आ रही हैं आप मंदिर में? 2-3 साल से आ रहे। कैसा लगता है आपको मंदिर आने में? अच्छा लगता है? बिल्कुल अर्पण, वहाँ पर भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है, भले ही कोरोना के गाइडलाइंस जो हैं उसका पालन करना पड़ रहा हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का।